बात अब जरा सियासत की करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस वक्त सियासी माहौल गर्म है। असेंबली इंतखाबात की तैयारियां चल रही है और जोर जो है लोगों में इस हवाले से कहीं ना कहीं उत्सव दिख रहा है। और बात भारतीय जनता पार्टी की करते हैं और वज़ीर दाखिला अमित शाह का बड़ा बयान। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में भाजपा की हुकूमत बनना लगभग तय है। उन्होंने कहा कि हमारी जो हुकूमत होगी उसकी बुनियाद तरक्की होगी और तरक्की की बुनियाद पर हमें जम्मू कश्मीर के लोगों का साथ मिलेगा और आने वाली जो हुकूमत होगी वो भारतीय जनता पार्टी की होगी। साथ ही साथ उन्होंने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस की तनकीद करते हुए कहा कि इस बार ये जो तीन जमातें हैं इनको जम्मू कश्मीर के लोग सत्ता से बाहर रखेंगे। उन्होंने कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी इक्तदार में आई जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी या वायलेंस जो है उसमें कमी देखी गई। ये बड़ा बयान वज़ीर दाखिला अमित शाह का। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यकीनी तौर पर जम्मू कश्मीर के मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में हुकूमत बनाएगी और वहाँ और तरक्याती काम जो है तरक्की की बुनियाद पर उन्हें जम्मू कश्मीर के लोग साथ देंगे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान मिलिटेंसी के वाक़ात में 69% कमी देखने को मिली, शहरियों के कत्लोगारत में 80% कमी देखने को मिली, जबकि सिक्योरिटी फोर्स की हलाकतों में 44% कमी देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि हमारी जो इंतखाबात में हमारी मुहिम की जो बुनियाद होगी वो तरक्की होगी। हम तरक्की का रोड मैप जम्मू कश्मीर के लोगों के पास रखेंगे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हिंदुस्तान के आइन के आर्टिकल 370 को मंसूख करने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में तरक्की के तमाम दरवाजे खोल दिए। उन्होंने कहा कि यूटी में मिलिटेंसी के वाक़ात में कमी देखने को मिली, पथराव का कल्चर ख़त्म हो गया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी या जो इस वक्त इंतज़ामिया है वो जम्मू कश्मीर की तरक्की की राह पर गमजन है। उन्होंने कहा कि जम्मू वाहिद शहर है जिसमें IIT, IIM और AIIMS बनाए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि तालीम या सेहत के शोबे में जम्मू कश्मीर में जब से आर्टिकल 370 मनसूख हुआ तरक्की देखने को मिली। साथ ही साथ जो पसमानदा तबके हैं उन्हें रिजर्वेशन दी गई, समाज के हर तबके को उसका हक दिया गया। और उन्होंने कहा कि यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के लोग इस बार साथ देंगे भारतीय जनता पार्टी का और आने वाली हुकूमत भारतीय जनता पार्टी की होगी। आगे बढ़ते हैं।